नारी शक्ति वंदन एक्ट बिल संसद के हेठले सदन यानी कि लोकसभा च चर्चा तो बाद पास कर दिता गया है। इस दे हक च 454 ते विरोध च 2 वोटां पईयां ने, बल्कि हुण इह बिल राज्यसभा च पेश किया जाएगा। तो लोकसभा की कार्रवाई हुण मुलतवी कर दी गई है ते बिल पास कर दिता गया। लोकसभा च महिला राखवांकरण बिल पास कर दिते गया। बिल दे विरोध च 2 वोटां पईयां ने, जबकि पक्ष च 454 वोटां पईयां ने ते हुण इह बिल राज्यसभा च भलके पेश किया जाएगा। तो उधर लोकसभा च जिथे महिला राखवांकरण बिल ते जबरदस्त बहस हुई, तो चर्चा के अखीर तक कांग्रेस के दिग्गज बिल नूं अधूरा दस्या, यानी कि राहुल गांधी ने बिल नूं अधूरा दस्या। बिल च ओबीसी महिलावां नूं हिस्सा देने की वकालत की, जिस ते अमित शाह ने भी पलटवार किया। इन माई व्यू दैट मेक्स दिस बिल इनकम्प्लीट। आई वुड लाइक टू हैव सीन OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहाँ चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी से। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं? मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चला। मान्यवर, संविधान की स्कीम है देश की नीतियों का निर्धारण, इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए, आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं। सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर, और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं।